हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आए दोस्तों, बात करेंगे एक और खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी ये है कि बेसिकली अहमदाबाद चुनाव से रिलेटेड है वो। गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर चुनाव हुआ और वहाँ पर एक और ताज़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। पिछले अपडेट में मैंने बताया था कि 4 सीटों पर MIM आगे चल रही है और अब जो है वो 4 से बढ़कर 8 सीट जो है वो AIMIM के हिस्से में आ गई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशखबरी वाली बात है। और उम्मीद ये है कि ये 8 से बढ़कर 12 जाएंगी, 12 से 16 जाएंगी और 16 से 20। और मुझे अगर मैं दिल से कहूँ तो मुझे लगता है कि 15+ तो जाना ही जाना चाहिए। और उम्मीद यही है कि जितना ज़्यादा आए उतना ज़्यादा खुशी जो है AIMIM के हिस्से में, MIM के खेमे में जाने वाली है। अगर ताज़ा अपडेट की बात की जाए तो BJP सबसे आगे चल रही है और रीज़न भी है उनका, क्योंकि वो सारे ही 6 के 6 शहरों में चुनाव लड़ा था उन्होंने और उनके बहुत ज़्यादा उम्मीदवार थे। तो 105 सीटों पर वो अभी आगे चल रही है। कांग्रेस 21 सीटों पर आगे चल रही है। MIM जो कि 8 सीटों पर आगे चल रही है, आप भी 8 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये जो है बेसिकली एक अपडेट है। और मैं आपको बता दूं कि MIM जो है, ये BJP जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीदवार उतारा था उन्होंने, तो इसलिए ये अहमदाबाद के अंदर 191 उतारा था, सूरत के अंदर 120 है उनके उम्मीदवार, वडोदरा के अंदर 76 है, 64 उसका, जामनगर के अंदर, राजकोट के अंदर उनका 72 है। तो इस तरीके से उनके उम्मीदवार भी ज़्यादा थे तो उनके कैंडिडेट आगे भी ज़्यादा चल रहे हैं और कांग्रेस भी आगे चल रहे हैं। जबकि अगर मैं बात बता दूं MIM की तो 8 सीटों पर आगे चल रही है। उम्मीद यही है कि अगला ये 8 से बढ़कर जो है 12 या 15, 16, 20 होना चाहिए। और जैसे ही होगा मैं आप तक आपके खिदमत में ज़रूर हाज़िर हूँगा। शुक्रिया। जय हिंद।